और उनकी से प्रदीप बत्रा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बाद कैंप स्थित कार्यालय में कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं। वहीं टिकट मिलने के बाद विधायक प्रदीप बत्रा ने बीजेपी हाईकमान को धन्यवाद कहा है। उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं को जल्दी ही मनाने की बात भी कही है। ये देखिए आप तस्वीरें, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से देखिए कैसे जब प्रत्याशी घोषित किए गए तो आतिशबाजी करके खुशी जाहिर की जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर कोई नाराज है इस टिकट वितरण से, किसी को धक्का लगा है, कोई निराश हुआ है, तो ऐसा ना हो, उन सबको मना लिया जाएगा, ये भी कह रहे हैं प्रत्याशी। सीधा आपको अजीत सिंह राठी के पास ले चलते हैं। अजीत से जानते हैं कि 59 उम्मीदवारों में से कुल कितने टिकट कटे हैं। अजीत, कुल कितने हैं टिकट जो है यहाँ पर कटे हैं 59 उम्मीदवारों में से? एक सवाल तो मेरा ये है, दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये 59 वही सीटें हैं, 59 में से वही 57 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, या अभी जो विजयी सीटें थी उन पर कुछ और सीटें अभी बाकी हैं उम्मीदवार घोषित किया जा रहा? नहीं देखिए राजेंद्र, इसमें दोनों तरह की सीटें हैं, जहां पर नए चेहरे आए हैं या किसी के टिकट काट दिए गए हैं। जो पिछली बार प्रत्याशी थे उनको इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, एक आध जगह उस तरह का भी है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि चूंकि पुरोला कांग्रेस की सीट थी और पुरोला से पिछली बार मालचंद भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, और लेकिन वहां पर इस बार मालचंद को कांग्रेस में चले जाने के बाद और राजकुमार के इधर आने के बाद दोनों को ही प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। तो इस बार दुर्गेश्वर लाल वहां से भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो चूंकि वहां से कांग्रेस का एमएलए था, भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है। दूसरा, जैसे गंगोत्री से गोपाल सिंह रावत विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका निधन हो गया था, तो उनकी जगह सुरेश चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इसको भी हम कौन सी श्रेणी में रखकर देखेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। तीसरा, जो थराली है वहां से मुन्नी देवी उनकी विधायक थी, उनका टिकट काटा गया है, बहुत क्लियर कट है। मुन्नी देवी का टिकट काटकर भोपाल राम टमटा को दिया गया है, जो अभी एबीपी गंगा पर अभी लाइव थे और अपने उन्होंने मन की बात कही कि मैं सामाजिक कार्य कर रहा था, पार्टी के लिए काम करता था, उनका मुझे इनाम मिला। और कर्ण प्रयाग से सीधा टिकट कटा, यानी चमोली जिले में 3 सीटें हैं और 3 में से 2 सिटिंग विधायकों का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया है, एक कर्ण प्रयाग और एक थराली। कर्ण प्रयाग से अनिल नोटियाल लड़ेंगे, जो बहुत पुराने नेता हैं और जो 2007 की विधानसभा चुनाव में विधायक थे। और इसके अलावा धनोल्टी से, जैसे आप एक इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि पिछली बार निर्दलीय लड़े थे प्रीतम सिंह पंवार, वो फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो भाजपा ने अब उनको टिकट दिया है, उनके जो पुराने प्रत्याशी थे उनको टिकट नहीं दिया है, जो नारायण सिंह राणा थे, निशानेबाज जसपाल राणा के फादर, तो उनको टिकट नहीं दिया है। तो प्रीतम सिंह पंवार निर्दलीय थे, वो भाजपा में आ गए हैं और भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी बताया, यानी इस सीट पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। इसके अलावा जैसे चकराता सीट है, तो चकराता में पिछली बार मधु चौहान लड़ी थी, मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी, जो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष है, और बहुत शानदार चुनाव लड़ी थी, 1200 के अंतर से वो प्रीतम सिंह से, जो लीडर पोजीशन है, उनसे वो हार गई थी। तो उनकी जगह जुबिन नोटियाल, जो एक गीतकार हैं, मशहूर गीतकार हैं, उनके फादर साहब को, रामशरण नोटियाल को, उनको पार्टी ने मौका दिया है कि वो प्रीतम सिंह लीडर पोजीशन के सामने चुनाव लड़ेंगे। एक प्रत्याशी ये चेंज हुआ है चकराता में। और कैंट में, चूंकि हरबंस कपूर साहब 1989 से लगातार भाजपा के विधायक होते थे और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी को दिया है, तो एक टिकट का फेरबदल इस तरह का है। खानपुर में पिछली बार सुबोध राकेश भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े थे, अब वो चले गए हैं बसपा में, तो उनकी जगह भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। वहाँ मास्टर सत्यपाल पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मास्टर सत्यपाल एक वहाँ बड़े वजूद वाले व्यक्ति हैं और उनको टेलर मास्टर भी कहते हैं वहाँ पर लोग, मतलब उनकी अपनी ख्याति है और बहुत दमदार तरीके से वो चुनाव लड़ते रहे हैं जी। इसके अलावा अब बात आती है खानपुर की। खानपुर में चूंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ हुआ होगा, या पार्टी ने चैंपियन के विवादों के कारण उनसे कह दिया होगा कि भाई, सूचना तो यही है कि उनके विवादों के चलते उनको कह दिया है कि भाई आप घर बैठिए, आपकी पत्नी को चुनाव लड़ाया जाएगा, तो इसीलिए उनकी पत्नी कुंवर देवयानी सिंह वहां से खानपुर से चुनाव लड़ेंगी। तो इसको भी हम टिकट काटे जाने की श्रेणी में ही रखेंगे, चूंकि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अभी सीटिंग विधायक थे वहां से और उनकी पत्नी अब चुनाव वहां से लड़ेगी। तो मंगलोर से भी पार्टी ने प्रत्याशी बदला है, और यमकेश्वर से बीसी खंडूड़ी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी पुत्री रितु खंडूड़ी का टिकट काटकर रेणु बिष्ट को दे दिया गया है, और रेणु बिष्ट भारतीय जनता पार्टी की इस बार प्रत्याशी होगी। धारचूला में भी प्रत्याशी बदला है, सीट ये कांग्रेस के पास थी। धारचूला में दूसरे व्यक्ति पिछली बार लड़े थे, इस बार धन सिंह धामी लड़ेंगे, यानी वहां का मुकाबला धामी वर्सेस धामी होगा। उधर से भी वहां पर जो उनके विधायक हैं हरीश धामी, वो भी चुनाव लड़ेंगे।
तो इसके फिर बाद में गंगोलीहाट, द्वाराहाट और अल्मोड़ा, ये तीनों सीटें अल्मोड़ा जिले में आती है, तीनों के टिकट काट दिए गए हैं। तो अल्मोड़ा से जो डिप्टी स्पीकर होते थे तो उनको हटा करके कैलाश शर्मा को कर दिया गया, कैलाश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के पहले, और द्वाराहाट से अनिल साहिल होंगे, उनकी जगह महेश नेगी की जगह। महेश नेगी का जानते हैं आप, पिछले दिनों एक बड़ा विवाद महिला को लेकर हुआ था, हालांकि उसके बाद में FIR और ये सब तमाशा सब बंद हो गया था, लेकिन पार्टी ने छवि को ध्यान में रखते हुए वहां अनिल साहिल को उतारा है।